हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ मीशो हॉल। तो मेरे पास ना छोटे बच्चों के कपड़े हैं, लड़कियों के, क्योंकि मेरे पास टू डॉटर्स हैं, तो मैं उनके लिए मीशो से कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, इनके रिव्यू, इनके प्राइस। मतलब मीशो पे सबको पता है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं कपड़े, तो मैंने भी ऑर्डर करे हैं, करती रहती हूँ मैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चले गाइस, बिना किसी देर के मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ड्रेस ये है, ये देखो, ये तो जो मेरा बिग बच्चा है ना वो है 6 5 ईयर ओल्ड, और जो मेरा छोटा बच्चा है वो है 1 1/2 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उन दोनों के हिसाब से, मैं उन दोनों के लिए सेम ड्रेस लेती हूँ ज़्यादातर। तो ये देखो, ये दोनों के लिए सेम लिया है मैंने, और ये वेलवेट फैब्रिक है। इसका आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, ये वाला ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने भी ऑर्डर करे हैं। आजकल थोड़ी सी बेंगलोर में हल्की हल्की ठंड भी है, तो इसलिए ये वाली ड्रेस बहुत ही अच्छी है आजकल के लिए। तो ये देखो, इसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, ये ना धागे से बना हुआ थ्रेड वर्क है ये। और ये देखिए, ये है मेरे बिग बच्चे के लिए, और ये वाला ड्रेस जो है ये है मेरे स्मॉल बच्चे के लिए, ये देखो। और इसके अंदर ना ये ऐसे इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ था, ये रुई जैसा, तो ये निकल रहा है। मैंने इसको एक बार धो दिया है ना, तो ये निकल रहा है ऐसे करके। तो ये बार एक बार मैंने ये ड्रेस इनको पहना ली है, इसलिए तो ये ड्रेस है। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत ही अच्छी है क्वालिटी भी, मतलब प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो आप इन सर्दियों में ये वाला ड्रेस ले सकते हैं, ये ट्रेंडिंग में भी है ये फैब्रिक आजकल। तो फर्स्ट ड्रेस था ये, अब चलते हैं सेकंड ड्रेस की ओर। तो सेकंड ड्रेस मैंने लिया था अपने बिग बच्चे के बर्थडे पे, और मेरा बिग बच्चा मुझे वहाँ से देख रहा है तो मैंने लिया था उसके लिए ये फ्रॉक। और आपको पता है ये लड़कियों को ना पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये पिंक कलर की फ़्रॉक मैंने ली थी उसके बर्थडे पे उसके लिए। तो ये बहुत ही सुंदर फ्रॉक है, ये देखो, इसमें ना ये बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, ये ब्लैक फैब्रिक में, और ये पूरा नेट का फैब्रिक है, ये देखो। और ये कोई चुभने वाला फैब्रिक भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है, अंदर से कॉटन की लेयर्स भी लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस भी अफोर्डेबल है, अभी मैं इसका प्राइस भूल गई हूँ, लेकिन हम मेंशन कर देंगे वीडियो में। तो ये देखो, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, बहुत ज़्यादा प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। इस फ्रॉक का जो प्राइस है वो है 477, और साइज़ इसका है 5 to 6 ईयर्स। तो मैं सारे ही कपड़े 5 to 6 ईयर्स लेती हूँ अपने गुड्डे के लिए। मेरा गुड्डा हो गया है 5 ईयर्स ओल्ड, तो अभी वो अब आपको दिखाएगा उसकी फ्रॉक बर्थडे वाली। तो आ जाइए गुड्डू, बस ठीक है, हो गया, चलो अब। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू कलर का लहंगा। सबसे पहले इसका प्राइस देखते हैं, तो इसका प्राइस है 371, और ये है 5 से 6 ईयर के लिए, बच्चों के लिए। तो इसमें डोरी दी हुई है गोल्डन कलर की, इसमें ये टैसल लगाया हुआ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, और अंदर से जो लाइनिंग है ना ये सिंथेटिक फैब्रिक की है, तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो ओके है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है वैसे बच्चों के लिए। और इसकी चोली जो है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे पीछे से डोरी दी हुई है गोल्डन कलर की सेम, और यहाँ पे भी ऐसा फ्लावर दिया हुआ है गोल्डन कलर का। तो ये काफ़ी अच्छा ड्रेस है, और ये है इसकी चोली, ये देखो, चोली पे भी पूरा गोल्डन कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, तो बच्चों के हिसाब से चोली भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज, अब मैं दिखाती हूँ आपको सेकंड लहंगा। तो ये है पिंक कलर का, और इसमें भी सेम वैसी डोरी लगी है, वैसी टैसल लगाए हुए गोल्डन कलर के, इसका बॉर्डर भी गोल्डन कलर का है, और इसकी भी लाइनिंग सेम वही है सिंथेटिक, और जो इसका बाहर का कपड़ा है वो थोड़ा चेंज है। तो ये सिल्क में है, टेफ्टा सिल्क बोलते हैं शायद इसको, तो ये वही है, और लेकिन कपड़ा काफ़ी अच्छा है। इसका जो प्राइस है वो है, इसका प्राइस है 244, तो 250 रुपये में काफ़ी अच्छा लहंगा है ये। और इसकी चोली भी गोल्डन कलर की है सेम, ये देखो वही है सेम, बस इसमें रोज़ लगा हुआ है, और पीछे से डोरी है। इसकी चुन्नी भी ये री काफ़ी अच्छी है। प्राइस दोनों लहंगे बहुत ही अच्छे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में हैं, और प्राइस के हिसाब से उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आई होप आपको आज का जो मीशो हॉल था वो पसंद आया होगा, और बताना कि आपको कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉल वीडियो में, क्योंकि मैं नेक्स्ट भी अब हॉल वीडियो ही बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। प्लीज़ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। तो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट हॉल वीडियो है, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करना, कुछ गलतियाँ हुई होंगी ऊपर नीचे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं आगे भी और अच्छे अच्छे हॉल बनाऊँ, और सपोर्ट करना गाइज, ठीक है। और मेरे पति ने पीछे बहुत बड़ा तूफान को संभाला है, मेरे दो बच्चों को तो उसके लिए थैंक यू, बाय गाइज।